श्री संपन्नो हम स्याम। इसका अर्थ है मैं आभा और संपदा संपन्न बनूं। संपदा यानी अबंडेंस, ऑल काइंड ऑफ अबंडेंस ऑफ लाइफ, चाहे वो मनी हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, लव हो, सब तरह की संपदाओं से मैं संपन्न बनूं। और ऐसा कौन नहीं चाहता? हम में से हर एक इंसान ये सारी संपदाएं पाना चाहता है, इन सारी संपदाओं से संपन्न होना चाहता है। संपदा यानी प्रॉपर्टी, वेल्थ। आज हम जिस संपदा के बारे में विशेष रूप से बात कर रहे हैं वो है मनी। हाउ वी कैन अट्रैक्ट मनी, व्हाट इज द ब्लॉकेज दैट स्टॉप्स कमिंग इट इन आवर लाइफ। ऐसी कौन सी बाधाएं हैं जो उस पैसे को, उस मनी को हमारे जीवन में आने से रोकता है? और उसका सबसे बड़ा और सिर्फ एक कारण है, वो है हमारा एक एटीट्यूड, कंप्लेनिंग एटीट्यूड, शिकायत करने का एटीट्यूड। दोस्तों, हम जीवन में अक्सर उन चीजों पर फोकस करते हैं जो हमारे पास नहीं है। हम उन चीजों पर फोकस नहीं करते जो चीज हमारे पास है। और ये प्रकृति का नियम है कि जिस चीज पर हम फोकस करते हैं वही हमें मिलती है। अगर हम अपनी कमियों पर फोकस करेंगे तो हमें कमियां ही मिलेगी, और कमियां मिलेगी, और बाधाएं मिलेगी, और समस्याएं मिलेगी। अगर हम अपने जीवन की संपन्नताओं पर ध्यान दें तो हम और अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हैं, और संपन्नताओं को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे जैसे मेरे पास 100 रुपए हैं और मैं खुश नहीं हूं क्योंकि मेरे पास 100 रुपए हैं। मेरे पास 1000 क्यों नहीं है? मैं करोड़पति क्यों नहीं हूं? मैं लखपति क्यों नहीं हूं? बजाय इसके कि जो मेरे पास है उसको एंजॉय करने के, जो मेरे पास नहीं है मैं उसकी तरफ सोचकर दुखी होती हूं। एंड दिस इज द रूट कॉज ऑफ ब्लॉकेज, ब्लॉकिंग आर ओन वेल्थ। इससे हम सिर्फ दुखी ही नहीं होते, हम अपने जीवन में आने वाली सब खुशियों को, आने हमारे जीवन में जो ऑलरेडी है, हम ऑलरेडी बहुत संपन्न हैं, हमारे पास बहुत कुछ है जिसके लिए हम भगवान का, हम इस प्रकृति का शुक्रिया अदा कर सकते हैं, पर हमने कभी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। आइए आज शुक्रिया अदा करते हैं भगवान को उन रुपयों के लिए, उन पैसों के लिए जो उन्होंने हमें दिए हैं। जितने भी पैसे हमारे पास हैं, जितने भी रुपए हमारे पास हैं, हमारे पर्स में है, हमारे बैंक में है, हमारे आसपास है, किसी न किसी फॉर्म में है। हमने कुछ रुपए देकर कुछ चीजें खरीदी, हमने कुछ रुपए देकर कुछ सेवाएं खरीदी, वो सब भी हमारा अबंडेंस है, हमारा वेल्थ है। उन सब के लिए शुक्रिया अदा करते हैं भगवान का, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जिन्हें उतना भी नसीब नहीं है। सो बीइंग ग्रेटफुल इज द वे टू अट्रैक्ट द अबंडेंस। आप जिस चीज के लिए कृतज्ञ होते हो वही चीज आप जीवन में अट्रैक्ट करते हो। तो आइए आज हम बात करते हैं मनी अट्रैक्शन की। आज हम शेयर करते हैं कुछ ऐसे अफर्मेशंस जो आप अपनी, जिनसे आप अपने जीवन में मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। वी हैव टू चेंज आवर माइंड सेट इफ वी आर नॉट विद द माइंड सेट आई एम सेइंग इन दीज अफर्मेशंस। मैं अपने जीवन का निर्माण स्वयं करती हूँ, और अपने जीवन के बराबर ही मैं अपनी आर्थिक सफलताओं की रचना करती हूँ। मेरा उद्देश्य धन, संपत्ति और प्रचुरता यानी अबंडेंस का निर्माण करना है। मुझे अमीर बनने के तरीके और सफल लोग बहुत पसंद हैं। मेरा ऐसा विश्वास है कि धन बहुत जरूरी है, धन आजादी है, और धन से मेरा जीवन और आनंदमय होता है। मैं अपने पसंदीदा कार्यों से धन का अर्जन करती हूँ।
मैं अमीर बनने योग्य हूँ क्योंकि मैं दूसरों के जीवन में वैल्यू ऐड करती हूँ। मैं एक उदार दाता और एक बहुत अच्छी ग्रहिता यानी प्राप्तकर्ता रिसीवर हूँ। मैं आभार व्यक्त करती हूँ मेरे उस धन के लिए जो अभी मेरे पास है। मुझे हमेशा लुभावने अवसर मिलते रहते हैं धन को कमाने की, उसे संभालने की और उसे बढ़ाने की क्षमता मेरे अंदर दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। ईश्वर का बहुत बहुत आभार, ब्रह्मांड का बहुत बहुत आभार। मेरे जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग्स और चमत्कार होते रहने के लिए। स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी एंड बी रिच। सो माय फर्स्ट अफर्मेशन इज आई क्रिएट माय लाइफ, आई क्रिएट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ माय फाइनेंशियल सक्सेस। माय इंटेंशन इज टू क्रिएट वेल्थ एंड अबंडेंस। आई एडमायर मॉडल रिच एंड सक्सेसफुल पीपल। आई बिलीव मनी इज इम्पॉर्टेंट, मनी इज फ्रीडम एंड मनी कैन मेक माई लाइफ मोर इंजॉयबल। आई गेट रिच बाई डूइंग वॉट आई लव। आई डिजर्व टू बी रिच बिकॉज आई एड वैल्यू टू अदर पीपल लाइव्स। I am a generous giver and an excellent receiver. I am truly grateful for all the money I have now. Lucrative opportunities always comes my way. My capacity to earn, hold and grow money expands day by day. Thank you God for everything. Thank you so much, universe. I appreciate the flow of blessings and miracles happening in my life. Thank you. Stay blessed, stay happy, and be rich.